नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। रिजल्ट आने पर कुछ बच्चे तो पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल। फेल होने वाले बच्चों को निराशा, दर्द और तिरस्कार से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ बच्चे तो उभर जाते हैं, मगर कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब बच्चा डिप्रेशन में आएगा तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जसपाल कौर। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैम ये बताइए कि बच्चे को जब डिप्रेशन में आ गया है तो उस स्थिति में माँ बाप को क्या करना चाहिए, या कैसे पता चलता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन का जो फेज़ है ये बता के नहीं आता है। पेरेंट्स के लिए सिम्टम्स जानने बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है। एक तो डिप्रेशन भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आप दोनों तरह से ले सकते हैं। एक बिफ़ोर एग्ज़ाम्स का डिप्रेशन रहता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, या तैयारी मेरी बच्चे की जो है वो पूरी है या नहीं, एक बच्चा उस डिप्रेशन से गुजरता है। और एक आफ्टर एग्ज़ाम का रहता है कि एग्ज़ाम हो चुके हैं पर रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो दो तरफ़ा से बच्चा जो है डिप्रेशन के फेज़ में रहता है। उस टाइम पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उनको चाहिए कि पहले तो बच्चे की काउंसलिंग ज़रूर करें। पेरेंट्स ही जो है फर्स्ट काउंसलर रहते हैं जो बच्चे को अच्छी तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बिफ़ोर एग्ज़ाम्स भी और आफ्टर एग्ज़ाम्स भी दोनों समय पर। पर काउंसलिंग के टाइम पे भी नेगेटिव अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं कि अगर एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो ये नहीं मिलेगा तुझे, हम ऐसा करेंगे, मतलब वो थ्रेटन वाला जो बिहेवियर है वो नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर पिक्चर जो है बच्चे के सामने होनी चाहिए कि उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस दौरान क्या क्या चीज़ें अचीव करने के लायक है। मैम, जब बच्चा डिप्रेशन में आ गया है तो उस वक्त माँ बाप को क्या चाहिए कि वो उनका उसका सहयोग करें या नहीं करें, या उसको ऐसे ही ताने देते रहें, या उसको ऐसे ही छोड़ दें कि जो इसने करना है करता रहे? नहीं, छोड़ना तो देखिए नहीं बनता है बच्चे का, और ताने देने भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो नहीं जानता है कि वो डिप्रेशन के अंदर है। जो स्टेज है बच्चे की उसको खुद को ही नहीं पता है कि क्या गलत है या क्या सही है। डिप्रेशन में कुछ बच्चे जो हैं अकेलापन महसूस करते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, इवन अपने पेयर ग्रुप्स के साथ भी बात नहीं करते हैं। शेयरिंग नहीं रहती है उनके पेरेंट्स के साथ, जो स्कूल में हुआ है वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो माइन्यूटली पेरेंट्स को सोचनी चाहिए कि बच्चा स्कूल से आके उनसे बातचीत नहीं करता है, कुछ चीज़ें शेयर करना बंद कर चुका है, एपेटाइट बच्चों की कम हो जाती है, खाना पीना जो है वो छोड़ देते हैं, और कुछ दूसरे तरीके से होते हैं कि खाना पीना ज़्यादा हो जाता है उनका। तो ये चीज़ें बच्चों को जो पेरेंट्स को बहुत माइन्यूटली देखनी चाहिए कि बच्चा जो है वो क्या क्या चेंजेस से गुजर रहा है। जो पहले चीज़ें कर रहा था कि उसमें एकदम से चेंजेस आ गए हैं, अकेला रह रहा है तो क्यों रह रहा है और अकेले रहने के क्या कारण है, स्टडी अगर कर रहा है तो उसमें मार्क्स में परफॉर्मेंस जो है वो टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं कि डाउन गई है, वो इसी दौरान गई है या उससे पहले भी ऐसी चल रही थी। हर चीज़ को जो है हर फेजेस में नोट करना चाहिए, उसके बाद बच्चे की काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। जी मैम, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे की काउंसलिंग करने जब जाते हैं पेरेंट्स तो वो समाज में ये बोला जाता है कि नहीं, इनका बच्चा तो जो है डिप्रेशन में है या बिगड़ गया है या पागल होने की स्थिति में आ गया है, तो ऐसा भी कहा जाता है, तो क्या ये ठीक है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस नज़रिए से। तो क्योंकि बच्चा जो अगर डिप्रेशन में है, एक तो डिपेंड करता है बच्चा टीनेज में है, टीनेज में डिप्रेशन के फेजेस अलग हो जाते हैं, उसके फिज़िकल चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऊपर से जो है वो एकेडमिक प्रेशर भी उस बच्चे पे है, और समाज के दौरान जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं वो पेरेंट्स भी उस बच्चे को ताने दे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल सारा कुछ देखिए, बच्चे के लिए सब जगह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को उभारेगा कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से उसे सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए, और ये फेज़ इतना नाजुक है कि उसे अगर गलत सपोर्ट कहीं से मिलता है तो वो जल्दी उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस दौरान जो टीनेज की एज रहती है, और टीनेज से पहले का जो है उस टाइम भी पेरेंट्स को देखना चाहिए बच्चे के अंदर चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। बच्चे और माता पिता ये सोचने लगते हैं कि अब तो कैरियर ख़त्म हो गया है, क्या ऐसा होता है? कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे के जो है 90% मार्क्स नहीं आए और मैं इसको इंजीनियरिंग लाइन में भेजना चाहता था और अब इसका करियर जो है वो स्पॉइल हो चुका है, क्योंकि मैं तो इंजीनियर नहीं बन सका तो अब मेरा बेटा भी नहीं बन पाएगा।
तो ये नज़रिया जो है अब काफ़ी हद तक मतलब पेरेंट्स को अवेयरनेस हो चुकी है, बट स्टिल कुछ पेरेंट्स अभी भी इसी चीज़ के अंदर हैं कि नहीं बच्चे को इसी लाइन में चूज़ करवाना है, 90% आने ही चाहिए, अदरवाइज आगे कोई करियर है ही नहीं। तो ये नज़रिया पेरेंट्स का बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो मैं कहूँगी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि जो आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, वो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स 90% के दौरान उन्हें सिर्फ डॉक्टर लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, या सिर्फ इन चीज़ों की लाइनों में नहीं, और क्रिएटिविटी की अदर लाइंस भी ओपन हैं, उनको उनकी तरफ दूसरी लाइंस की तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो किस लाइन में ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट कर सकता है। माँ बाप और बच्चे दोनों ही ऐसे में तनाव की स्थिति में होते हैं, तो क्या उन दोनों को ही काउंसलर के पास सलाह लेनी चाहिए? कुछ हद तक सही है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पेरेंट्स भी जो है बच्चों के बिहेवियर से काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो मारपीट तक आ जाते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी सिचुएशन को हैंडल करना, उनकी उनके बिहेवियर से अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ तो उनके लिए भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर बच्चे की तरफ से देखें तो बच्चे को थ्रेटन अगर आप कर रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर भी चेंजेस, बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो पेरेंट्स पॉजिटिवली काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि अगर वो सोचें कि काउंसलर के पास जाना या काउंसलिंग के लिए जाना, या जिनके दिमागी तौर से जो है लोग ठीक नहीं है उनको जाना है चाहिए, बिल्कुल सरासर गलत है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो लेते हुए भी आपको लग रहा है कि शायद गलत है या मैं नहीं सही नहीं कर रहा हूँ, उस दौरान भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेडिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी सिचुएशंस को हैंडल करने के बेटर तरीके बताए जाते हैं कि आपको किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बच्चों को डिप्रेशन में आने के बाद क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सलाह देंगी आप? बच्चों को तो अगर डिप्रेशन में है तो उस बच्चे को तो पहले तो पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ। तो पेरेंट्स को मैं इस तरीके के लिए गाइड करना चाहूँगी कि बच्चे के सिम्टम्स ज़रूर वो ध्यान दें कि क्या क्या चेंजेस उसमें आ चुके हैं। जैसे मैंने कि बताया आपको कि अगर बच्चा अकेला रहना शुरू कर चुका है तो ज़रूर पेरेंट्स उससे बातचीत करना शुरू करें कि उसका कारण क्या है। बच्चे के साथ नज़दीकी ज़रूर बनाए रखें, थ्रेटन की बजाय उसको प्यार से मतलब सारी चीज़ों को सुने उसकी, और अगर कोई गलत भी है तो उस गलत चीज़ को भी सुनने के बाद एक तरीका उसको ठीक करने का अपनाएं। ये नहीं कि थ्रेटन किया जा रहा है बच्चे को और वो चीज़ें शेयर करनी आपसे बिल्कुल ही बंद कर दें। और बच्चे की संगत जो है, पीयर ग्रुप्स जो है, उस पर भी ध्यान रखें कि बच्चा किन बच्चों से मिलता है स्कूल में, और या घर पहुंचने के बाद वो किन तरह के लोगों से बातचीत रखता है और वो बातचीत क्या करता है। अगर अकेला रह रहा है तो वो टाइम पास कैसे कर रहा है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दें। अगर बच्चा ट्यूशन पे जाता है तो ट्यूशन टीचर से 1-to-1 बात करें कि कैसी परफॉर्मेंस है, वो लो आ रही है, या स्कूल में जो है 1-2 महीने में परफॉर्मेंस इसकी डाउन गई है, या स्कूल में भी अकेला बैठ रहा है, तो टीचर से भी पूरा जो है ये रिकॉर्ड ज़रूर लें, उसके बाद ही जो है काउंसलिंग के लिए आगे कदम बढ़ाएं। कई बच्चे आलसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कई बच्चे बहस करने लगते हैं, तो इस तरीके के जब सिम्टम्स होते हैं उस टाइम माँ बाप को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को भी क्या करना चाहिए, दोनों को मतलब क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, आलसीपन जो है बच्चे का डिपेंड करता है कि वो क्यों है, घर का माहौल कैसा है, और स्कड्यूल क्या है बच्चे का, खाना पीना कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि आलसीपन ऐसा है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी बच्चों में होता है, वेदर चेंजेस के कारण भी हो सकता है, इसके काफ़ी सारे चेंज मतलब जो इसके रीज़न है इसके पीछे आलसीपन के। अब कुछ बच्चों में एस्केपिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को देखनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में घर में वो स्ट्रक्चर टाइम टेबल क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका रूटीन क्या है, बच्चे का रूटीन उन्होंने क्या रखा हुआ है, और खाने पीने में वो मतलब जंक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मतलब पूरा स्केड्यूल जो है वो प्रॉपर देखना पड़ेगा पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चा क्या अडॉप्ट कर रहा है और पेरेंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर वो ध्यान से स्केड्यूल करते हैं, अब सबको पता है जंक फूड जो है वो न्यूट्रिशन लेवल उतना नहीं प्रोवाइड करता है, पर स्टिल बच्चों के कारण जो है पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कट ऑफ रखें कि वंस इन अ वीक इट इज़ ओके, पर अगर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, घर पे भी बच्चा वही चीज़ें खा रहा है, ओबेसिटी हो रही है और उसकी वजह से आलसीपन आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे हाथ में जो हम इसको कम कर सकते हैं।
पर अगर आलसीपन का कारण कोई हार्मोनल चेंजेस के कारण है कि आपका स्केड्यूल बिल्कुल प्रॉपर है, डाइट आप बच्चे को प्रॉपर दे रहे हैं पर फिर भी उसमें आलसीपन है, तो मैं ज़रूर गाइड करूँगी कि डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें इसके लिए। बच्चे में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, कई बार वो नकारात्मक बातें करने लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों को? नेगेटिविटी देखिए बच्चे में अपने आप नहीं आती है, कोई भी चीज़ जो सोच है वो बच्चे में अपने आप नहीं आती है जब तक कि उसके माहौल में वो चीज़ें उसको देखने को ना मिले। तो सबसे पहले तो उसका माहौल डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में है और नेगेटिविटी वो कहाँ से अपने अंदर ला रहा है। अगर तो वो स्कूल में है, स्कूल में किसी पेयर ग्रुप्स में अपने वहाँ से नेगेटिविटी उसको आ रही है, तो पेरेंट्स का सबसे पहले फर्ज बनता है कि एक एक चीज़ बच्चे के घर आने पे पूछें ज़रूर। पूछने का तरीका भी जो अपनाना है मैं वो गाइड करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि एक क्वेश्चनिंग लेवल का जो तरीका है आपको इस तरीके से नहीं रखना है कि आप उसके सिर पे बैठे हुए हैं कि हर चीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप बतानी ही बतानी है। एक फ्रेंडली माहौल आपको जनरेट करना है कि बच्चा खुद फील करे कि समवन इज़ देयर, कोई घर में मेरे ऐसा है जो ये चीज़ें जानकर बहुत खुश होगा और जिसे मैं बता सकता हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो मुझे वहाँ से वापसी में मतलब रिवर्ट बैक में मुझे डांट नहीं पड़ेगी। एक सॉफ्ट कॉर्नर का जो डेवलपमेंट है वो पेरेंट्स की और चाइल्ड में बॉन्डिंग इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चा अगर कुछ गलत भी करके आया है तो कॉन्फिडेंस इतना रखे कि अपने पेरेंट्स को सच बता सके। तो ये माहौल डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसा माहौल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर स्कूल में अगर क्योंकि बच्चे की दो ही जगह सबसे ज़्यादा 6 आवर्स वो स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ से अगर नेगेटिविटी आ रही है तो नो डाउट है तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि टीचर्स से बात करें ऐसा क्या हुआ है, किस पीरियड में, हर पीरियड के टीचर्स से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किसी पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिस तरफ से बच्चे की तरफ ये नेगेटिविटी अप्रोच आई है, और नेगेटिविटी भी किस तरह की है, स्टडी के लेवल पे है या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके लेवल पे है। हर चीज़ को जानना, हर पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिविटी की अप्रोच बच्चे में आई कहाँ से है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि किसी भी बच्चे में नेगेटिविटी अपने आप पैदा नहीं होती जब तक कि उस माहौल में, एनवायरमेंट में, वो कहीं से अप्रोच में इन टच ना आया हो। जी, ऐसे में बच्चे को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए इस माहौल से बचने के लिए, अपने आप को ऊपर उठा सके वो? बच्चे के लिए ये डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है अपने आप को उठा पाना, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैं इस फेज़ में गिर चुका हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ, तो अपने आप को उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए सपोर्ट बच्चे को ज़रूरी ही चाहिए, वो पेरेंट्स की तरफ से भी चाहिए, काउंसलर की तरफ से भी चाहिए, स्कूल टीचर्स की तरफ से भी चाहिए, तीनों लोग जो हैं एक साथ काम करें उस बच्चे के लिए, तो नो डाउट जिस सिचुएशन में वो अकेलापन महसूस कर रहा है उससे उसको ईजिली बाहर निकाला जा सकता है। जसपाल जी का कहना है कि बच्चे आलस से बचें, नकारात्मकता से बचें, इसमें माँ बाप उनका सहयोग दें। माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, फेल होना ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, माँ बाप उनके जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बात को ज़रूर 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 माने। साथ ही माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगी मैं कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों पे अपनी सारी बातें थोपे नहीं, उन्हें खुद अपने आप से आगे आने का अवसर प्रदान करें। फेल होना ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का और अच्छे तरीके से बढ़ने का नाम है। देखा जाए तो हम देश विदेश की कई हस्तियां हैं जो फेल हो चुकी थी, लेकिन आज उनका नाम बहुत ज़्यादा आ चुका है। महात्मा गांधी हैं जो हाई स्कूल में सिर्फ 40% मार्क्स से पास हुए थे, लेकिन आज उनका इतना नाम है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कई विषयों में फेल होने के बावजूद एक साइंटिस्ट बने और आज उनका बहुत नाम है। ऐसे ही आप भी है अपना नाम कर सकते हैं, आप अपने जीवन को और ऊपर ले जा सकते हैं। फेल होना, निराशा के गर्द में डूबना, ये सब गलत है, लेकिन फेल होने के बाद वापस उठना आपके हाथ में है। जसपाल जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।